2022 के अप्रैल महीने की शुरुआत हिंदू और मुसलमान समुदाय के पावन त्यौहार के साथ हुई। 2 अप्रैल से जहां नवरात्र की शुरुआत हुई तो वहीं इसी दिन से रमजान के महीने का भी आगाज हुआ। लेकिन राजस्थान के करौली शहर में त्योहारों की खुशियों ने अचानक हिंसक रूप ले लिया, जब 2 गुट आपस में ही भिड़ गए। गौरतलब है कि शनिवार को चैत्र नवरात्र का पहला दिन था। इस मौके पर हिंदू संगठन बाइक रैली निकाल रहे थे। ये रैली जैसे ही हटवाड़ा बाजार पहुंची तो कुछ लोगों ने उस पर पथराव कर दिया। इसके बाद तनाव बढ़ गया और दोनों समुदाय आपस में भिड़ गए। पथराव के बाद हड़कंप मच गया और बाजारों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग जब तक दुकानें बंद कर पाते तब तक गुस्सा लोगों ने आगजनी शुरू कर दी। उन्होंने कई दुकानों और गाड़ियों को आग लगा दी। वहीं इसकी सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचा और तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया, जो कि 3 अप्रैल रात 12 बजे तक लागू रहेगा। हिंसा की घटना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने DG से बात की और पुलिस को हर उपद्रवी को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। वहीं अशोक गहलोत ने देश प्रदेश में जाति धर्म के नाम पर हो रहे तनाव के लिए केंद्र और BJP की नीतियों को जिम्मेदार ठहरा दिया। और जो माहौल NDA गवर्नमेंट आने के बाद में माहौल सरचार बन गया देश के अपने प्रदेश के, और मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी खुद को अपील करनी चाहिए देशवासियों को कि ये जो ध्रुवीकरण हो रहा है ये उचित नहीं है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ये देश हित में नहीं है। उसी कारण से जगह जगह पर तनाव पैदा होता है। दुर्भाग्य से कल घटना जो हुई है करौली की, वो आपके सामने है। और आज भी ब्यावर में आपस में एक छोटी बात को लेकर झगड़ा हो गया अभी सुबह, और एक व्यक्ति की हत्या हो गई। तो अब ये जो जाति धर्म के नाम पर रंग दे देते हैं, 2 व्यक्ति को भी भेज सकते हैं, मर्डर हो गया। पर अगर धर्म अलग अलग है दोनों का, तो फिर धर्म के नाम पे लोग ध्रुवीकरण करके फिर उनको इश्यू बनाते हैं। वहीं करौली हिंसा को लेकर BJP गहलोत सरकार को घेरने में जुट गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी हैं। मकान की छतों से पथराव शुरू हुआ। इतना भारी मात्रा में घरों की छतों पर पत्थरों का होना पूरे मामले को शक के घेरे में लाता है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी करौली हिंसा की कड़ी निंदा की। राजे ने ट्वीट कर लिखा कि करौली में निकाली जा रही उत्साह रैली से पहले अगर प्रशासन सतर्कता बरतता तो हमले की यह घटना टाली जा सकती थी। आपको बता दें कि राजस्थान के करौली में 2 गुटों के बीच तनाव के बाद पुलिस ने 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच शहर में शांति बहाल करने को लेकर लगातार कोशिशें जारी है। INS रिपोर्ट।